अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है या आपका पुराना है एक यूट्यूब चैनल है तो वो डेड हो चुका है, जब भी आप उस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आते। दोस्तों आपकी वीडियोस पर व्यूज़ ना आने की वजह वो मिस्टेक्स हैं जो नए यूट्यूबर अपने चैनल पर करते हैं, इसकी वजह से उनका चैनल ग्रो ही नहीं करता और वो चैनल डेड हो जाता है। इस वीडियो में आपको ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा जो नए यूट्यूबर अपने चैनल पर करते हैं, उनका चैनल ग्रो ही नहीं करता और वो चैनल डेड हो जाता है। दोस्तों अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी वीडियोस पर भी व्यूज़ आएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी आप गलतियां अपने चैनल पे करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां अपने चैनल पे ना करें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, मिक्स कंटेंट। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं ये आपकी पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों अगर आपने एक गेमिंग का चैनल बनाया था और आपने एक दो दिन उस पर गेमिंग की वीडियो अपलोड की और इन वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आए, बाद में आपने उस चैनल पर व्लॉग अपलोड करना शुरू कर दिए, दो तीन दिन बाद आपने वहाँ पर टेक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी और फिर एक दो दिन बाद आपने प्रैंक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, दोस्तों ये मिक्स कॉन्टेंट है, ये आपके चैनल को बर्बाद कर देता है। दोस्तों आपने मिक्स कॉन्टेंट अपलोड करने से बचना है। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर मिक्स कॉन्टेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब आपके चैनल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है और यूट्यूब आपकी वीडियो किन लोगों को दिखाए। दोस्तों ये जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक से आपने बचना है। आपने अपने चैनल पे एक ही कैटेगरी की वीडियो अपलोड करनी है और मिक्स कंटेंट से बचना है। मिस्टेक नंबर टू, कंसिस्टेंसी। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर रोजाना की बुनियाद पर एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने रोजाना की बुनियाद पर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप दो तीन दिन बाद या हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने वीडियो अपलोड करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप जितने दिन बाद भी वीडियो अपलोड करते हैं आपने वो वीडियो अपलोड करनी है। दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना कि दो दिन आपने लगातार पांच छह वीडियो अपलोड कर दी और आगे एक दो हफ्ता बोल जाना है कि यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करनी है, आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन जब भी आप एक दिन बाद दो दिन बाद या हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करते हैं आपने उस वीडियो को अपलोड ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आप टाइम से टाइम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप व्यूअर को पता होगा कि आप कब वीडियो अपलोड करते हैं और वो उस टाइम पे आपके वीडियो को देखेगा। दोस्तों अगर आपका कोई टाइम नहीं होगा, कोई दिन नहीं होगा कि आप कब वीडियो अपलोड करते हैं और आपके व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब वीडियो अपलोड की है, इसलिए आपने अपनी वीडियो को टाइम के टाइम अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप दो दिन बाद वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके व्यूअर को पता होगा कि आप दो दिन बाद वीडियो अपलोड करेंगे और वो आपके चैनल पर वीडियो देखने जरूर आएगा। दोस्तों आपने टाइम के टाइम वीडियो को अपलोड करना है। तो ये मिस्टेक भी नए यूट्यूबर करते हैं, इनसे भी इनका चैनल ग्रो नहीं होता। दोस्तों आपने अपने वीडियो को टाइम के टाइम जरूर अपलोड करना है। मिस्टेक नंबर तीन, SEO। दोस्तों SEO से आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, आपकी वीडियो रैंक करती है। नए यूट्यूबर को लगता है कि वो जितना अच्छा SEO करेंगे उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे। दोस्तों SEO करने से आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, आपकी वीडियो रैंक करती है। अगर मैं YouTube पर लिखूं हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, दोस्तों मुझे जो वीडियो शो होंगी वो रैंक कर रही हैं। दोस्तों अगर मैं किसी वीडियो को देखूंगा तो इस तरह इस वीडियो पे व्यूज़ आएगा। दोस्तों नए यूट्यूबर SEO में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं, वो थंबनेल, वीडियो को एडिटिंग, साउंड इफेक्ट सब पे ध्यान नहीं देते, जिस तरह की आती है वो इस तरह की वीडियो अपलोड कर देते हैं, इससे भी इनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि SEO से वीडियो रैंक करती है, वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते। जब भी कोई व्यूवर आपकी वीडियो को सर्च करेगा, आपका थंबनेल अच्छा होगा तो व्यूवर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा, जब व्यूवर आपकी वीडियो को पूरा वॉच करेगा तो इससे आपके वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। दोस्तों आपने ज़्यादा टाइम SEO पे ज़ाया नहीं करना, आपने वीडियो का थंबनेल, वीडियो का एडिटिंग और साउंड पे भी आपने ध्यान देना है। मिस्टेक नंबर चार, सब फॉर सब। दोस्तों नए यूट्यूबर ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। दोस्तों आपने इस तरह की गेमें नहीं खेलनी, इससे भी आपके चैनल पर बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर हासिल करते हैं तो वो आपके यूनिक सब्सक्राइबर होते हैं, वो आपकी मेहनत के सब्सक्राइबर होते हैं। आपने ऐसे नहीं कहना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। दोस्तों जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया होगा वो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, लेकिन जब आपने ये जो सब फॉर सब वाली गेम से सब्सक्राइबर हासिल किए होंगे ये लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। वैसे YouTube वाले आपकी वीडियो किसी को रिकमेंड ही नहीं करेंगे, YouTube वाले सोचेंगे कि आपके अपने सब्सक्राइबर ही नहीं आपकी वीडियो देख रहे, दूसरे लोग क्या देखेंगे, YouTube आपके चैनल को डेड कर देगा। दोस्तों आपने इस तरह गेमें नहीं खेलनी, आपने अपनी मेहनत के और यूनिक सब्सक्राइबर लेने हैं।
दोस्तों ये थी कुछ मिस्टेक्स जो नए यूट्यूबर अपने चैनल पे करते हैं और उनका चैनल ग्रो ही नहीं होता और उनका चैनल डेड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं पार्ट 2, इस वीडियो को मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। दोस्तों अगर आपने एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बनाना है और उसकी तमाम सेटिंग्स करनी है ये वीडियो आप देख सकते हैं।